हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बॉन्ड ऑफ लर्निंग। आज हम इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं, होमोफोन्स, होमोनिम्स एंड होमोग्राफ्स, ये क्या होते हैं, इनसे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये स्टडी करने वाले हैं इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले तो कि ये जो तीनों वर्ड्स होते हैं, तीन टाइप के, होमोफोन्स, होमोनिम्स एंड होमोग्राफ्स, इनमें आपको डिफ्रेंशिएट करना आना ही चाहिए। इसके बाद ही आप एक्सरसाइज क्लियर कर पाएंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे और एक्सरसाइज आपको करनी नहीं आएगी। अब लर्न करने के लिए इस टाइप का चार्ट आप बना सकते हैं, ये सबसे सिंपल वे है, क्योंकि इनमें तीन ही चीजें होती हैं, स्पेलिंग, प्रोनंसिएशन एंड मीनिंग। जैसे कि आप देख रहे हैं, होमोफोन्स, एक है TO2, एक है TOO2 और एक है TWO2। बोलने में तीनों सेम ही है, बट इनका जो मीनिंग है वो अलग है और जो स्पेलिंग है वो भी अलग है। तो आपने देखा, टू टू एंड टू, इस टाइप के जो एग्जाम्पल्स होंगे आपके वर्ड्स के, जिनमें की प्रोनंसिएशन सेम होगा बट स्पेलिंग एंड मीनिंग जो है वर्ड का वो अलग होगा, दे आर कॉल्ड होमोफोन्स। ओके, एक बात आपकी क्लियर हुई। अब है होमोनिम्स। होमोनिम्स में आप देखिए, एग्जाम्पल के साथ आप जब देखेंगे ना, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बियर, बियर, आप देख रहे हैं स्पेलिंग सेम है, BEAR, BEAR, ठीक है, प्रोनंसिएशन भी सेम है, बट मीनिंग अलग अलग हो सकते हैं इनके। ये कोई एनिमल होता है बियर, ठीक है, और ये यहाँ पे बियर मतलब किसी चीज को झेलना, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए होमोग्राफ्स। होमोग्राफ्स में आप देखिए बो एंड बव। अब आप यहां पे देख रहे हैं कि स्पेलिंग सेम है, ठीक है, बट जो आपका मीनिंग है और प्रोनाउंसिएशन है और जो मीनिंग है वो दोनों अलग हैं, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे तीन टाइप के होमोफोन्स, होमोनिम्स एंड होमोग्राफ्स, जो वर्ड्स होते हैं ना, ये तीन टाइप के जो अलग अलग वर्ड्स होते हैं जिनसे रिलेटेड एक्सरसाइजेस आती हैं वो। तो एक बार हम क्विकली इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए, आपको कई बार अगर डिफाइन करने को आए तो आप डिफाइन कर सकें। तो सबसे पहले होमोफोन्स। होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग। और जैसा कि मैंने कहा, ये चार्ट आप जब बना लेंगे कहीं पे भी, नोटबुक में या शीट पे, और फिर अपने दिमाग में इसको फ्रेम कर लेंगे ना, तो फटाक से आप इसके जो एक्सरसाइजेस हैं और जो डेफिनेशन है वो बोल पाएंगे। यहाँ पे क्या हुआ है, दो वर्ड्स जिनका की साउंड सेम हो, मतलब जो प्रोनंसिएशन है वो सेम हो, और उनकी बट जो उनकी मीनिंग एंड स्पेलिंग जो है वो अलग होती है, दे आर कॉल्ड होमोफोन्स। इसके साथ आप एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि हमने देखा था टू एंड टू में। नेक्स्ट देखिए, होमोनिम्स are the words that have the same pronunciation and same spelling but have different meaning. अब homonyms में आप देखें, यहाँ पे same spelling है, same pronunciation है, but meaning अलग अलग है। जैसा कि example में हमने देखा था beer and beer। और भी examples हम देखेंगे, जैसे कि हम exercises में जो भी हमारी exercises हैं वो करेंगे, तो हम और भी इसके जो examples हैं वो देखेंगे। Next आप देखिए, homographs are the words that are spelled the same but have different meaning and pronunciation. अब spelling same है homographs में, but उनका जो pronunciation है और जो meaning है वो अलग है, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे homographs। अब questions देखते हैं। Take the pair of words that are homophones. अब हमसे पूछा गया है होमोफोन्स। तो होमोफोन्स के बारे में जब हमने लर्न किया था, डेफिनेशन इसकी देखी थी, तो हमें पता है होमोफोन्स का मतलब है कि जिनकी कि सिर्फ प्रोनंसिएशन सेम होगा और उनका मीनिंग भी अलग होगा और उनकी स्पेलिंग भी अलग होगी, ऐसे वर्ड्स को हमें टिक करना है, बट बोलने में जो सेम होंगे। अब आप देखिए, सेल, सेल, स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग है, बट प्रोनंसिएशन सेम है, तो ये हो गया हमारा एक होमोफोन। नो एंड नाउ, ये तो अलग है, इसमें तो आप देखिए डेफिनेशन भी अलग है, प्रोनंसिएशन भी अलग है और मीनिंग भी अलग है। ये होता है नो और ये है नाउ। देयर, देयर, अब आप देखिए यहाँ पे स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग है,
बट प्रोनाउंसिएशन सेम है, देयर, तो ये हो गया सैंड एंड सेंट। ये तो आप देख रहे हैं स्पेलिंग भी अलग है, मीनिंग भी अलग है, और यहाँ पे बोला भी अलग तरीके से जा रहा है। यहाँ टी का साउंड है, यहाँ डी है। टू एंड टू, ये तो हमारे होमोफोन्स हैं। नेक्स्ट वी हैव पियर एंड पेयर, ठीक है, तो ये भी यहाँ पे होमोफोन्स नहीं है। नेक्स्ट देखिए, राइट होमोनिम्स दैट फिट बोथ द क्लूज इन ईच पेयर, ठीक है, तो आपको यहाँ पे होमोनिम्स लिखने हैं, और होमोनिम्स हम जानते हैं सेम स्पेलिंग सेम प्रोनाउंसिएशन बट मीनिंग अलग। यू डैश अ फिल्म, योर डैश इज वेरी नाइस, तो यहाँ आ सकता है वॉच, ठीक है, एक होता है देखना और एक जो घड़ी आप पहनते हो। यू वॉच अ फिल्म, योर वॉच इज वेरी नाइस। नेक्स्ट आप देखिए, अ ब्यूटिफुल फ्लावर, अ पास्ट टेंस ऑफ राइज का होता है रोज, और यहाँ पे ब्यूटिफुल फ्लावर का भी हो सकता है रोज, तो यहाँ आ जाएगा आर ओ एस सी रोज। नेक्स्ट वी हैव द आउटर कवरिंग ऑफ अ ट्री, द साउंड मेड बाय अ डॉग, तो आउटर कवरिंग ऑफ अ ट्री इज कॉल्ड बार्क, और जो डॉग का साउंड होता है उसको भी हम बार्क कहते हैं। तो ये हो गए हमारे इसके कुछ क्वेश्चंस। तो इस टाइप के जो सिंपल क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तीनों जो हमारे ये टर्म्स हैं, होमोफोन्स, होमोनिम्स एंड होमोग्राफ्स की टर्म अगर आपके क्लियर है, आप जानते हैं किसको क्या कहते हैं, किसमें क्या सेम होता है, क्या डिफरेंट होता है, तो आप आसानी से इन्हें कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।